नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूजफुल इन्फो टिप्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की भागती दुनिया में आए दिन हर किसी की खबर आती है कि इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है। हेल्थ से रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और हेल्थ को सही रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किचन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ ऐसा पकाएं जो हमारी फैमिली के लिए हेल्दी हो। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाऊंगी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में। आपने कॉफ़ी विद करण का नाम तो सुना ही होगा, तो आज मैं आपको वही कॉफ़ी अपने अंदाज में और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ बताऊँगी, जिसे आपके बच्चे भी बड़े मन से खाएंगे और बड़े भी खा सकते हैं और बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं और अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, कुरमुरे बनाने के लिए हमें लेने हैं कुछ काले चने। ये देखिए, ये हैं काले चने। ये थोड़े छोटे छोटे हैं, आप चाहे तो थोड़े बड़े वाले भी ले सकते हैं। हम इसे दो मुट्ठी लेंगे, एक दो। दोस्तों, मेरे फैमिली में चार मेंबर्स हैं, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे दो तीन घंटे के लिए रख देंगे, जब तक कि ये फूल जाए पूरी तरीके से। तो ये हमने लिए हैं अपने वही उबले हुए चने। हम इसे, ये देखिए, ऐसे मसल कर देख लेंगे कि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं कि नहीं। ये चने हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं, तो हम कुरमुरे बनाने के लिए अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कॉफ़ी के साथ जिसे हम खाएंगे, उसके लिए हमने लिए ये उबले चने और इसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ अनियन, प्याज लिया हुआ है हमने, ये देखिए छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं, और ये हमने टमाटर लिया हुआ है, ये भी छोटा बारीक काट रखा है हमने पहले से ही, क्योंकि इसे काटने में थोड़ा वक्त लगता है। और हमने एक छोटी सी प्लेट में लिया हुआ है ये कुछ कटे हुए हरे मिर्ची और ये आधा कटा हुआ लेमन, नींबू, और हम इसे रख लेंगे। अब देखिए कि हमें कुरमुरे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये उबले चने, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर और छोटे बारीक कटे हुए प्याज और नींबू और थोड़ी सी हरी मिर्च। मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे मिर्च कम खाते हैं और बुज़ुर्ग भी कम मिर्च खाना पसंद करते हैं, और थोड़ा सा मिर्च हमारे फ्लेवर के लिए, इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। अब हम इसे एक साइड में रख लेते हैं और एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुरमुरे बनाना। ये हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, बड़ा बोल लिया। सबसे पहले हम इसमें अपना ये बॉयल चना डालेंगे। ये हमने अपने सारे बॉयल चने डाल दिए। अब हम इसी में ये टमाटर भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसमें हम ये कटे हुए चिली मिर्ची भी डाल देंगे, और अगर आप मिर्ची खाना नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। और हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस। दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं इसलिए इसमें नींबू अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये हम बड़ों के लिए, आपका कुरमुरे बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जैसा कि उबालते समय थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए हम इसमें बहुत ज़रा सा ये काला नमक डालेंगे ऊपर से, ताकि ये अच्छे से नमकीन हो सके। अब हम इसे फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है। हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नींबू का रस अच्छे से मिल जाए। हम चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे भी इसे मन लगा कर खाएं और नाश्ता करने में
इधर उधर ना करें, इसलिए हम लेंगे एक पैकेट नमकीन। मैंने ये वाला लिया है, आपके बच्चे जो खाते हों आप वो वाला ले सकते हैं। और हम इसमें मिक्स कर देंगे, ये देखिए बहुत ही सुंदर बन गया ये। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे इस प्रकार से चलाएंगे ताकि इसमें नींबू का रस मेन है जो इसमें अच्छी तरीके से मिल जाए। और अब ये देखिए ये हमारा कुरमुरे तैयार हो गया। चलिए अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं ढककर, और अब हम कॉफ़ी करण की स्टाइल में बनाना सीखेंगे। कॉफ़ी बनाने के लिए ये मैंने लिया एक बड़ा कप दूध। अब हम इसे गैस पे रखेंगे और इसे अच्छे से बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से बॉईल ना हो जाए। तो दूध रख दिया है हमने बॉईल होने के लिए। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की बॉटल, ये देखिए टाटा टी के साथ ये बॉटल फ्री में आती है। और अगर आपके पास नहीं है कोई और चाय पत्ती आप यूज़ करते हैं तो आप कोई भी प्लास्टिक की पानी की बॉटल ले सकते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कॉफ़ी विद करण स्टाइल की कॉफ़ी कैसे बनती है। हम इस बॉटल में ये एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी लिया है मैंने, इसको डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि मैं तीन लोगों के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। ठीक है, एक बड़े चम्मच से डेढ़ चम्मच लिया मैंने कॉफ़ी। अब हम ठीक इसी तरीके से चीनी लेंगे, आप जितना चीनी पसंद करते हैं उस मात्रा में लेंगे। मैंने डेढ़ कप चीनी लिया है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा कम चीनी वाली ये चीज़ें पसंद करते हैं लोग। और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक आदमी है तो आप चीनी ना डालें। अब हम इस कॉफ़ी और चीनी के ऊपर आधा कप पानी डाल देंगे। ठीक है, फिर ये हमने ढक्कन बंद कर लिया, अच्छे से ढक्कन को बंद करेंगे ताकि ये लीक ना हो। और हम इसे अपने हथेली पर ऐसे रख के 2 मिनट तक इसे ऐसे शेक करते रहेंगे। दोस्तों ये देखिए ये हमारी वो बॉटल है जिसमें हमने कॉफ़ी चीनी और थोड़ा सा पानी डाला था और इसे अच्छे से शेक किया था। ये कुछ आपको ऐसे झाग से भरी हुई दिखाई देगी। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा टेक्निक यूज़ नहीं किया है जो मैंने आपको नहीं बताया है। अब ध्यान से देखिएगा कॉफ़ी कैसे बनाएंगे। हम एक कॉफ़ी का मग लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास नेस्कैफे कॉफ़ी मग है, इसे रख दिया हमने। और इसके अंदर हम ये बॉटल खोल कर झाग डालेंगे, इसमें पलट लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए। अब हम बच्चों के लिए एक और बड़ा कप लेंगे और फ्रिज से निकाल कर दूध रख लेंगे। और अब जो हमने दूध गर्म होने के लिए रखा था गैस पर उसको इस कप में ऊपर से ऐसे डालेंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब हम वैसे ही इस बड़े वाले कप में भी अपना सब कुछ कॉफ़ी पलट लेंगे, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर झाग बन जाता है कॉफ़ी का। और अब हम इसमें फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा दूध डालेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है हमने और बड़ों के लिए हॉट कॉफ़ी बनाई, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। ये हॉट कॉफ़ी बड़ों के लिए और ये कोल्ड कॉफ़ी बच्चों के लिए। अब मैं इसे नहीं चखूंगी, आप खुद ही चख कर बताइए कि आज का ये ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा। तो अगर आज का ब्रेकफास्ट आपको पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब में जाकर बेल आइकन को दबाइए और उसमें ऑल वीडियोज़ पर क्लिक करें। धन्यवाद, बाय बाय।